राम राम जी। आज आप लोगों का स्वागत है राजा जी का ढाबा में। दोस्तों आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं बिल्कुल आसान नाश्ता, मतलब इतना हेल्दी भी होगा, बहुत टेस्टी होगा। ये सूजी से बनता है, इसका नाम बर्मी कली है और इसमें बहुत सारी सब्जियां डाल के और इस नाश्ता को बनाते हैं। ये सुबह ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं, लंच में दे सकते हैं, डिनर में दे सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो चलिए आसान तरीके से शुरू करते हैं बर्मी कली का नाश्ता बनाना। यहाँ पे हम कढ़ाई लिए और कढ़ाई में पानी डाल देते हैं। ये पानी कितना है अभी आपको हम बताते हैं। जितना हम बर्मी कली लिए हैं उससे 3 गुना हम पानी डाले हैं। ये देखिए, इसी को बोलते हैं बर्मी कली। बहुत सारे दोस्त जानते हैं, बहुत सारे दोस्त जानते भी नहीं हैं। इसका सेवई भी बनाया जाता है मीठा, और भी तरह का इसका नाश्ता बनाया जाता है, लेकिन आज हम एकदम आसान नाश्ता आप लोगों के साथ बताएंगे। पानी को बढ़िया से गर्म हो जाने देते हैं, इसे हम ढक देंगे। इसमें बढ़िया से उबाल आ जाएगा तब इसकी ज़रूरत है। यहाँ पर दूसरा कढ़ाई लिए हैं, गैस जला दी, यहाँ कढ़ाई रख देते हैं। कढ़ाई को गर्म हो जाने देंगे। ये कप से नापेंगे तो लगभग 2 कप है और ग्राम में लेंगे तो 250 ग्राम है। इसमें बहुत सारी सब्जियाँ डालेंगे। एक शिमला मिर्च बारीक बारीक कटा हुआ, एक बड़ा टमाटर बारीक बारीक कटा हुआ, 2 आलू को भी बारीक बारीक काट देंगे, एक प्याज भी इस तरह से रफली बारीक बारीक कटा हुआ है। ये फ्रोजन मटर है, आपके पास अगर रेगुलर मटर हो तो उसे भी आप दे सकते हैं। और इस नाश्ता को बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए एक कच्चा नारियल चाहिए, एकदम फ्रेश नारियल। इसको हम कद्दूकस कर देंगे 1 कप। यहाँ पर तड़के में हम लिए हैं एक छोटा अदरक बारीक बारीक कटा हुआ, 3-4 हरी मिर्च, 10-12 कढ़ी पत्ता और 1 टीस्पून सरसों है, काला पीला कोई भी दे सकते हैं। इसमें डालेंगे हम 2 टेबलस्पून चना का दाल, इससे बहुत ज़्यादा नाश्ता टेस्टी हो जाता है। और यहाँ पर डालेंगे 4 टेबलस्पून मूंगफली। आप अगर मूंगफली आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसमें काजू भी डाल सकते हैं 2 टेबलस्पून, और थोड़ा सा धनिया पत्ता। तो कढ़ाई गर्म हो गया है, यहीं पर डालेंगे 1 टेबलस्पून घी। आप रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे डाल देंगे और इसे भून देंगे। जैसे हम सेवई बनाते हैं तो कैसे भून के बनाते हैं कि इसका कच्चा फ्लेवर जो थोड़ा सा हो वो चला जाए। बस आँच धीरे करके इसको 2-3 मिनट हम भून देंगे। बस हमें ध्यान क्या रखना है कि बहुत ज़्यादा ये ब्राउन नहीं हो। बस ये देखिए, नारियल को जो काला वाला पार्ट होता है उसको छील दिए हैं, पर इसको कद्दूकस कर देते हैं।